और इतना बोझ लेके चल रहा है, देखिए ये बोझ कम से कम 5 kg से तो प्लस होगा। वैसे बताते चले कि झारखंड का फेमस उरद बड़ा जो कि काफ़ी टेस्टी, और ये बहुत तकलीफ है भाई, पैसा कमाना है तो थोड़ा तकलीफ तो उठाना होगा, क्या पैसा बर्बाद और कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, फालतू है, मीठा लग नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये जो मेरी वीडियो हाथा वाली वीडियो वो रमज़ान से पहले की है, तो उसमें मैंने कुछ नाश्ता वगैरह भी बाहर में किया था, और अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो वो रमज़ान से पहले की वीडियो है जो मैं अभी पोस्ट करूँगा, तो उसमें नाश्ता करते दिखूँगा, तो ये कोई समझ न ले कि ये रोज़ा नहीं रखता है, मैंने सारे रोज़े रखे, इंशाल्लाह जो भी बचे सब रखेंगे। और वो पहले की वीडियो है, मेरी दो वीडियो है, दोनों वीडियो इसी रमज़ान के दौरान में मैं डाल दूँगा, और तीसरी वीडियो मेरी इंशाल्लाह ईद की आएगी, तो चलिए आप लोग बने रहें हमारे साथ और वीडियो को एंजॉय करें। आज के व्लॉग में इस्तकबाल और स्वागत है, आज की व्लॉग फिर से आ गए पेटीएम एफएससी के लिए, तो ये रहा पेटीएम एफएससी, और हम लोग जाएंगे हाथा, वॉइस क्लियर होना चाहिए, नेकबैंड तो लगा हुआ है फिर भी वॉइस क्लियर नहीं होना चाहिए, गाड़ी वाड़ी वगैरह जा रहा है, तो अभी हम लोग परसुडी से आगे वाली रोड जो हाथा के लिए जाती है, हम और अंकित बाबू तैयार है, तो चलिए अब हाथा तरफ में चलते हैं और रास्ता में आपको मिलाते हैं और दिखाते हैं और फिर चलते हैं, तो बने रहे हमारे साथ चांद नवाब कैमरामैन सहनशाह के साथ। तो अभी जहाँ पर हैं हम लोग वहाँ से लगभग हाथा 14 किलोमीटर है, गर्मी का आसार यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया, मतलब झारखंड में बहुत जल्दी गर्मी आ जाता है क्योंकि इधर पहाड़ बहुत ज़्यादा है, और ख़ास कर जमशेदपुर में तो बहुत ज़्यादा ही गंदा गर्मी पड़ता है, तो अभी यहाँ हाल फिलहाल तो गर्मी आ गई है, तो मेरा दोस्त निकल चुका है अपने काम के लिए, तो इधर पूछ रहा है और मैं थोड़ा बहुत अपना वीडियो बना ले रहा हूँ, तो आज का मेन पर्पस रहेगा मेरा कि दोस्त का सारा मतलब कवर करना, तो आके बैठ गया, चलिए तो फिर चलते हैं और आपको हाथा में मिलते हैं। तो देख सकते हैं अभी रुके हैं, यहाँ से आपको हम व्यूज़ दिखाते हैं, तो यहाँ से आप अपना व्यूज़ देखें, और ये थोड़ा सा फास्ट में व्यूज़ रहेगा तो फटाफट देखते रहें। To the top, gotta fill up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. तो अभी हम लोग हाथा में पहुंच ही गए हैं, अब यहाँ से हम एक्सप्लोर करते हैं, और इसका काम आज मेरा मेन पर्पस है इसका पूरा काम दिखाना और क्या क्या है, तो इसी वजह से मेरा वीडियो डायरेक्ट हाथा में आके चालू हुआ, बीच में थोड़ा बहुत जो भी व्यूज़ है देख लिया आपने, तो चलिए अब आगे बने रहे हमारे साथ और इसका काम दिखाते हैं आपको। अभी तक तो एक भी काम किया नहीं और प्यास भी लग गया, बोल पानी पीना चालू कर दिया, मंद बुद्धि नहीं है। चलिए ठीक है, अब शुरुआत करते कहीं से, चलो शुरुआत करो फटाफट और देखते हैं। तो ये मेरे को ना अपना जैसा लालगंज जैसा है ना वैसे ही लग रहा है, मतलब मेरा भी एक गांव है वैशाली में, बिहार वैशाली, ऐसा ही सेम लगता है, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है सबके साथ में घूमना, इसीलिए मैं घूमता भी हूँ। पता नहीं वॉइस का क्या है कैसा है, लेकिन फिर भी ठीक ही आ रहा होगा, तो चलिए फटाफट देखते हैं, अब इसका जहाँ पर लगेगा वहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं एक जने का पेटीएम का बॉक्स ख़राब है, तो उसका रीचेक कर रहा है, तो देखते हैं क्या है, रीचेक करने के बाद नहीं तो इसको नया बॉक्स देने का कार्यक्रम करेंगे, कोशिश करेंगे, तो चले देखते हैं, बन जाता तो ठीक है, नहीं तो ये होटल वाले भैया का, तो चलिए बने रहे, और इनका इन्वर्टर वगैरह ऐसा है। तो यहाँ से तेरिंग 13 किलोमीटर, मूसाबनी 44, चायबासा 42, टाटा 18 किलोमीटर, और ये है हाथा, और काफ़ी मतलब बीच की कड़ी धूप है, 12:30 बजे की करीब की धूप इतनी तेज़ है, और वो वहाँ पे मेरा दोस्त काम कर रहा है, काफ़ी परेशान है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, ना ही एक भी बॉक्स, साउंड बॉक्स और अनबोर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ है, और ये काफ़ी खूबसूरत सा है, टाटा का
महज 18 किलोमीटर दूर से गांव, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्या हो रही है इनके ज़िंदगी में। तो चलिए ठीक है, बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन चांद नवाब लल्लन टाउन। तो यही है हाता मूसाबनी रोड, जो इधर से मूसाबनी और हाता से होते हुए मूसाबनी और इधर से ही एक और रास्ता जाता है ना, मूसाबनी और कहाँ जाता है, जादूगोड़ा जाता है, मूसाबनी जादूगोड़ा जाता है और इधर से सीधा चल जाता है चायबासा। और ये बहुत परेशान है क्योंकि इसका काम नहीं हुआ और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जो मुझे भी परेशानी हो रही है। तो चलिए बने रहें, अब इस ओर का मार्केट कवर कर लिया ये लड़का, अब अगली ओर का मार्केट कवर करते हैं और शाम होने से पहले हम लोग फिर निकलेंगे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेंगे। तो चले हमारे साथ, बने रहें। तिरिंग उड़ीसा, तिरिंग उड़ीसा में पढ़ते हैं। तिरिंग उड़ीसा में पढ़ते हैं, बॉर्डर है झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर है तिरिंग। चलेंगे अगली दफ़ा, क्या चले तिरिंग, अभी क्या जाएंगे उड़ीसा का बॉर्डर है बाद में। इतना भीड़ है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है तिरिंग जाने के लिए। और ये अपना पेटीएम के चक्कर में हम लोग का दिमाग काम करना बंद कर चुका है इतनी धूप में, मत पूछिए क्या ही हो सकता है अभी धूप में। और इतना बोझ लेके चल रहा है, देखिए ये बोझ कम से कम 5 kg से तो प्लस होगा, इतना बोझ लेके बेचारा चल रहा है। बताएं अपने तकलीफ को बयां करें। बहुत तकलीफ है भाई, पैसा कमाना है तो थोड़ा तकलीफ तो उठाना होगा, क्या कर सकते हैं। हमको मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत धूप लग रहा है, तो ज़्यादा धूप मज़ा नहीं देता है। तो चलिए हाथा में ही हाथ बढ़ा बढ़ा के कुछ काम हो जाए तो फिर चलेंगे, जैसे कि मैं हाथा दिखा दे। तो अभी हाथा के मार्केट में बैठ के हम लोग ये अपने घर से लेके आए खाने के लिए, और यहाँ का भी लिया है, मैं सिर्फ यहीं का खा रहा हूँ। तो खाने पीने के बाद मिलते हैं आपसे, थक गए हैं, कुछ हुआ नहीं, बस थक गए, चलिए मिलते हैं। वैसे बताते चले कि झारखंड का फेमस उरद बड़ा, जो कि काफ़ी टेस्टी है, और ये चटनी भी टेस्टी और ये उरद बड़ा भी टेस्टी है। तो ये सब खाने पीने के बाद, ये उनका होटल है, काफ़ी अच्छा सा सेटअप है और ये काफ़ी बेहतरीन से अच्छा सा लग रहा। तो चलिए खाने पीने के बाद आपको फिर बाहर में मिलते हैं। तो उरद बड़ा खाने के बाद अब ये दही बड़ा है, दही बड़ा का भी कलर ठीक ही अच्छा है, खाने के बाद बताते कि कैसा है। तो बस एक मिनट हो गए है, थोड़ा सॉफ्ट नहीं है लेकिन। तो इसके खाने के बाद एक मिनट, ऐसा बर्बाद और कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, फालतू है, मीठा लग नहीं रहा है, अच्छा नहीं है। तो ये मुझे पसंद नहीं है, इससे अच्छा तो उरद बड़ा था। चलिए फिर अब बाहर निकलते हैं। तो मिलते खा पी के, खाना वाना खा पी के वो थक हार के इधर बैठ गया है। यही है इस बेचारे की ज़िंदगी, और इतना बोझ लेके फेस्टिवल वाली ज़िंदगी में और बहुत ही तकलीफ़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए यहाँ पर बैठे हुए। अभी हम भी थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, 1-2 घंटे में इधर से रवाना होने की कोशिश करेंगे। तो चले हमारे साथ, बने रहें। हाँ, तो ये हाता से अभी निकल चुके हैं, तो यहाँ से आदित्यपुर 23 किलोमीटर, डिमना चौक 32 और टाटा नगर रेलवे स्टेशन है आपका 18 किलोमीटर। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हाता को बाय बाय करके। तो बस मज़े लेते रहे और हम लोग अब जमशेदपुर में जाके मिलते हैं आपसे। हाता को छोड़ छाड़ के हम लोग अभी आ गए हैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग बिष्टोपुर, वहाँ ये रिविजिट वगैरह मार लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग अब बिष्टोपुर में आ ही चुके हैं, मतलब बिष्टोपुर में ही हैं, अब जमशेदपुर में एंटर कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, शायद आवाज़ इतनी क्लियर ना हो लेकिन फिर भी आप व्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और कार्स वगैरह एक पैरेलल लाइन, मतलब सीधी तरीके से, मतलब अनुशासन में लगी हुई है। चलिए देखते हैं, और आगे सिग्नल भी है तो फ़ोन को मुझे रखना होगा।